वो खुद तो मर गई लेकिन जाते जाते मेरे लिए बहुत ज्यादा सवालात छोड़ गई कि वो बिल आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो एक साल तक जिंदा लाश बन के रही और आखिर में डिप्रेशन की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उसकी मौत के बाद जब मैं उसके कमरे में गया तो मुझे वहां उसकी एक डायरी मिली जिसमें मुझे मेरे सारे सवालात के जवाब मिल गए। उसमें लिखा था कि मेरा नाम आलिया है, जब मैं 2 साल की थी तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू के इंतकाल के कुछ टाइम के बाद अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और अम्मी ने जहां पे शादी की वो मर्द पहले से ही शादीशुदा था और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं उन्हें अंकल कहती थी और इसी दौरान मेरी जिंदगी में वो आ गया जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और हमारी मोहब्बत का हमारे घरों में मालूम हो चुका था और उन्होंने कोई ऐसा मसला किए बगैर हमारी आपस में मंगनी तय कर हमारी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि आज से 2 महीने बाद हमारी शादी थी। बहुत खुश थी इस बात को लेकर कि 2 महीने बाद हमारी शादी है, लेकिन शादी के एन 2 महीने पहले अम्मी का भी इंतकाल हो गया और मैं टूट के बिखर चुकी थी। मुझे जिंदगी में जीने का कोई सहारा कोई वजह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगर कोई वजह थी तो वो मेरी मोहब्बत थी कि जिसके सहारे में अब आगे जिंदा रह सकती थी, वरना मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं रहा था कि मैं जिंदा रह सकूं। मैं डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे मेडिसिन ला दें, दवाई ला दें, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो दवाई देने के बहाने घर आए, उन्होंने मेरा हाल अहवाल तो क्या पूछना था, मुझे मेडिसिन दवाई तो क्या देनी थी, उन्होंने मुझे अकेला पाकर मेरी इज्जत लूट ली। उस बेगैरत और बेशरम इंसान को इतना भी हया नहीं आया कि एक यतीम मिस्कीन बच्ची है, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ और इसकी ज़िंदगी कैसे तबाह बर्बाद कर रहा हूँ। खैर वो तो ये सब करके चला गया लेकिन मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ना रहा, मुझे कोई सहारा कोई चार नज़र नहीं आ रही थी। मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, किसको अपना सहारा बनाऊँ। फिर मैंने अपनी मोहब्बत को ये सब बताने का सोचा। मैंने उसे बुलाया, कॉल करके घर पर बुलाया। इससे पहले कि मुझे सारी बात बताती उसने थोड़ा सा सुना तो वो भी मुझे छोड़ के चला गया और ये वजह थी कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी के सारे सहारे मुझसे टूट चुके थे और मैं टूट के बिखर चुकी थी, इसलिए मैं मौत को गले लगाना चाहती थी। लेकिन आगे के जो अल्फाज थे वो पढ़ के मेरे खुद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो हमारे साथ रहते रहते मुझसे मोहब्बत करने लगी और शायद ही वही वजह थी कि जिस वजह से उसने ईद वाले दिन अम्मी से दुल्हन का जोड़ा मंगवाया था।